परिचालक पकड़े जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली से वापस महोबा आते समय झांसी के सहायक क्षेत्रीय अधिकारी ने महोबा डिपो की बस को चेक किया तो ड्यूटी स्लिप के आधार पर परिचालक की जगह कोई और टिकट बनाते पाया गया है। इस फर्जी कंडक्टर के पास ड्यूटी स्लिप, मार्ग प्रपत्र, एटीएम मशीन को देख परिवहन निगम के अधिकारी के होश उड़ गए। अधिकारियों की शिकायत पर जब जांच हुई तो पता चला कि जिस परिचालक के नाम मशीन और प्रपत्र निर्गत थे उस दिन तो वो बाहर गया था। वहीं महोबा डिपो के जिम्मेदारों ने चालक और ड्यूटी में नहीं गए परिचालक का ही रूट ऑफ कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे नाराज संविदाकर्मी चालक परिचालक ने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मेरी ड्यूटी लगाई गई थी छतरपुर दिल्ली वाली गाड़ी पर कि आपको ड्यूटी जाना है। जिस दिन ड्यूटी जाना था उसी दिन दोपहर के बाद से मेरी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो मैंने फोन किया समय व्यवस्थापक जी को, नसीम कुरैशी जी को, कि सर बेटी की मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं ड्यूटी आ नहीं पाऊँगा, आप दूसरा परिचालक भेज दीजिए गाड़ी के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है देखता हूँ, और मैं अपनी बेटी को बांदा में डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता के अस्पताल पे दिखाता रहा। इसके बाद अगले दिन जस्ट मैं अपनी माता जी को और भतीजे को लेकर कानपुर में गैस्कुली हॉस्पिटल पर दिखाया। इसके बाद अलाउड के मैं बांदा आ गया अपने घर। इसके बाद मुझे पता चलता है कि तुम्हारे नाम एक गाड़ी पकड़ी गई है फर्जी छतरपुर दिल्ली रोड पे झांसी के पास, झांसी आरएम ने पकड़ा। 86 गाड़ी को मैं संचालित करता हूँ, और यहाँ से जब मैं महोबा से दिल्ली के लिए गया तो मेरे साथ परिचालक थे जैसे, और यहाँ से दिल्ली तक गए और वापस आए तो दतिया के पास कहीं गाड़ी चेक हुई, और गाड़ी चेक होने के बाद जब गाड़ी चेक हुई है तो वहाँ पे कोई प्रदीप नाम का कोई कंडक्टर आया, तो हम वहाँ पर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कंडक्टर कौन है और कौन कंडक्टर नहीं है। हमको ये बताया गया था कि, और जब यहाँ आके पता चला तो देखा उसमें ड्यूटी स्लिप में तो उसमें नाम लिखा था संजय गुप्ता का। झांसी डिपो के आरम से हमारी बात हुई है, रिपोर्ट भी भेज चुके हैं, इसमें हम सब से छानबीन कर करके जांच कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी बयान वन ले रहे हैं सबके बाबू के, जो भी निर्णय लिया जाएगा अपने उच्च अधिकारी के संज्ञान।